राजधानी के महेशनगर थाना पुलिस ने स्वेस फॉर्म स्थित एक हुक्का बार पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कैफे की आड़ में चल रहे एक रेट्रो हाउस पर की गई है और जैसे ही पुलिस ने बार पर छापा मारा तो दर्जनों युवक और युवतियां हुक्का पीते नजर आए। पुलिस की दबिश के बाद सभी युवक युवतियां मौके से भाग छूटे। हालांकि पुलिस ने आधा दर्जन युवक युवतियों पर कोटपा एक्ट में कार्रवाई की है और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने कैफे के मैनेजर राज थापा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कैफे से करीब एक दर्जन हुक्का, पाइप्स और तंबाकू और फ्लेवर के डिब्बे जब्त कर लिए हैं। आपको जयपुर से खबर बता रहे जहां महेश नगर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। हुक्का, पाइप्स और तंबाकू और फ्लेवर के डिब्बे भी साथ ही जब्त कर लिए हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता यादविंदर शर्मा फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादविंदर, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। हाँ देखिए लवीना, ये यहाँ पर जो महेश नगर थाना पुलिस है उसने यहाँ पर एक जो रेस्टोरेंट और कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई की है। यहाँ पर पुलिस को मुखबिर से जब सूचना मिली थी तो उन्होंने यहाँ पर छापा मारा, तो छापे के दौरान यहाँ पर दर्जनों जो लड़के लड़कियां हैं वो यहाँ पर हुक्का पीते हुए तंबाकू का सेवन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। जैसे पुलिस ने कार्रवाई की उसके बाद तमाम यहाँ पर पूरे कैफे के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर मंगल मच गई। कुछ जो युवक थे वो यहाँ से फरार हो गए, लेकिन आधा दर्जन जो युवक युवतियां थे, जो नौजवान युवक थे, युवक युवतियां थी, उनको यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद कोटवा एक्ट के तहत उनके कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाते हुए उन्हें छोड़ दिया। हालांकि यहाँ पर जो गंभीर मामले को देखते हुए यहाँ पर जो महेशनगर थाना पुलिस है उसने जो कैफे के जो संचालक हैं, जो मैनेजर हैं राज थापा, उसको यहाँ पर अरेस्ट किया है और उससे यहाँ पर पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जब यहाँ पर कार्रवाई की तो यहाँ पर मौके पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर जो हुक्के वो पाए गए थे। इसके अलावा पाइप और चिलम और तंबाकू और फ्लेवर के जो डब्बे थे वो यहाँ पर पाए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से तंबाकू निषेध दिवस पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इकट्ठी दिखाई थी कि जयपुर शहर के अंदर लगातार है हुक्का बारों का यहाँ पर संचालन हो रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने सख्ती दिखाते हुए पूरे जयपुर शहर के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लवीना, मैं आपको बता दूं, लगातार कुछ 6 दिनों से यहाँ पर है जो हुक्का बार के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है। यहाँ पर अलग अलग थाना इलाकों के अंदर पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर बीती रात को यहाँ पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने भी यहाँ पर एक हुक्का रेस्टोरेंट की आर्मी कर कैसे पर भी कार्रवाई की थी। यहाँ से भी पुलिस ने दर्जनों जो हुक्का है और तंबाकू और फ्लेवर के जो डब्बे हैं जिनका सेवन किया जाता है उनको यहाँ पर जब्त किया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो हुक्का बार संचालित होने वाले जितने भी जो कैफे हैं उन पर यहाँ पर जब कमिश्नर को बख्शने की कतई मूड में नहीं है। उनका साफ कहना है कि जयपुर शहर के अंदर जिस तरीके से हुक्का बार पर बचपन लगाया गया है उसको लेकर के यहाँ पर वो बिल्कुल सख्त है। किसी भी सूरत में यहाँ पर जो हुक्का बार है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। जी यादविंदर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से जयपुर से खबर बता रहे जहां पर हुक्का बार पर यह बड़ी कार्रवाई महेश नगर थाना पुलिस ने की है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।